देखिए जो केरला फाइल जिस केरला स्टोरी जो पिक्चर बनी है पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पे प्रोपोगंडा फिल्म है, नफरत को फैलाने वाली फिल्म है। मैं सच्चाई क्या, ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस तरह का झूठी बयानी कर रहे हैं ये लोग। जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको भी एक वीडियो दिखाया है, पूरा वीडियो नहीं दिखाया, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे AIMIM पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान। दोस्तों वारिस पठान द केरला स्टोरी जो मूवी आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं द केरला स्टोरी मूवी को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है दोस्तों। कुछ लोग इसके समर्थन में उतर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है, कुछ राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है दोस्तों, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म के ऊपर रोक लगा दी है और कहा है कि यह फिल्म माहौल खराब करने के लिए ही माहौल खराब कर सकती है और ये सच्ची कहानी नहीं है, इसलिए फिल्म के ऊपर रोक लगा दिया है, बैन कर दिया है। दोस्तों द केरला स्टोरी जब रिलीज होने से पहले इसका ट्रेलर आया था तो वहाँ उनके डायरेक्टर ने ये कहा था कि ये फिल्म जो है 32,000 हिंदू लड़कियों की कहानी है जो मुसलमान बन गई हैं और ISISI में शामिल हो गई हैं, केरला से जो गायब हो गई हैं। हाईकोर्ट के अंदर याचिका डाली गई, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, जब कहा कि ये 32,000 लड़कियों की कहानी नहीं है, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। वहीं दोस्तों ताज्जुब ये भी होता है कि कर्नाटक चुनाव का प्रचार तो अब ख़त्म हो गया है, कल वोटिंग है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस फिल्म का प्रचार किया। बड़े ही दुख की बात है कि फिल्म एक सच्ची फिल्म भी नहीं है, माहौल ख़राब करने वाली फिल्म है, हिंदू मुसलमान करने वाली ये फिल्म है और आप देख भी रहे हो कि जो लोग इस मूवी को देखकर निकल रहे हैं तो वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग एक समुदाय के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी मूवी को लेकर, द केरला स्टोरी मूवी को लेकर AIMIM पार्टी के पूर्व विधायक वारिस पठान ने अपनी बात रखी है, देखिए आप। देखिए जो केरला फाइल जिस केरला स्टोरी जो पिक्चर बनी है पूरी तरह से झूठ की बुनियाद पे प्रोपोगंडा फिल्म है, नफरत को फैलाने वाली फिल्म है। मैं सच्चाई क्या, ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस तरह का झूठी बयानी कर रहे हैं ये लोग। पहले इन्होंने एक टीजर निकाला, एक 2 रुपये कमाने के लिए आप एक झूठा टीजर निकालते हो कि 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हो गया, वो जाके वहां ज्वाइन कर लिया ISIS, उसके 2 दिन के बाद आके बोलते 3 लड़कियों का था। हाईकोर्ट फटकार लगाती है तो बोलते हैं कि हमको पता चला ऐसा है लेकिन 3 लड़कियों का। तो किस दिशा में आप लेकर जा रहे हो देश को, क्यों इतना नफरत फैला रहे हो? अभी आप हम सब देख रहे हैं कि लोग पिक्चर जो देख के आ रहे थिएटर से किस तरह से अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उठा के जेल में डालना चाहिए झूठ फैलाने के चक्कर में। और सरकार क्या कर रही है, BBC डॉक्यूमेंट्री थी उसको तो आपने बैंड लगा दिया, तो इस पिक्चर को क्यों आप चलने दे रहे हो? और देखिए सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमारा देश विश्व का इतना जाना माना सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, वहां का प्रधानमंत्री एक इतनी झूठी फिल्म को प्रमोशन में लग गए हैं, जबकि मणिपुर में जल रहा है, मणिपुर 100 से ज्यादा लोग की जाने चले गए वहां पे खामोश, कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो गए वहां पर खामोशी इख्तियार कर रहे, और एक ये झूठा प्रोपोगंडा फैलाकर देश में किसी भी तरह नफरत फैलाना। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसी फिल्म को बैंड करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को जेल में डालना चाहिए, सिर्फ नफरत की बुनियाद पे हो रहा है। इसी तरह हिटलर ने भी किया था, क्या हुआ, एक पिक्चर भी लगी थी इटरनल जू, वहां भी इसी तरह की हेट स्पीच से शुरू किया, नफरत की पिक्चर दिखाई, उसके बाद क्या हुआ आप तमाम ने देखा, हिस्ट्री है वो। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसा माहौल, हम तो चाहते हैं प्यार मोहब्बत सुकून शांति से रहे हमारे देश में, मगर एक इस तरह की फिल्म बनाकर, एक प्रोपोगंडा फिल्म बनाकर आप सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ सिर्फ नफरत फैला रहे हो, झूठी नफरत फैला रहे हो। आप बोलते हो 50,000 लड़कियां चले गई, तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, खामोश थे क्या सब? ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ फैलाना, ये फिक्शन है, रियलिटी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बताना चाहिए। हम मैं पूरी तरह से इस पिक्चर का विरोध करता हूं, इस तरह की फिल्म नहीं लगनी चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव फैलाए और नफरत फैलाए हमारे देश में। दोस्तों आपने वारिस पठान जी की बात सुन ली था केरला स्टोरी की मूवी के ऊपर। दोस्तों आप जानते हैं केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चला है। वारिस पठान जी का कहना है कि ये पहले 32,000 लड़कियों की कहानी बताई गई, अब 3 लड़कियों की कहानी बता रहे हैं और इसके ये एक झूठी पिक्चर है, वो किस तरीके से लोग इस मूवी को देखने के बाद मुसलमानों के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आप वीडियो में देख रहे हो
होंगे जो हॉल से यानी थिएटर से बाहर निकलकर इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वारिस पठान जी का कहना यह भी है कि जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया है उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये एक झूठी फिल्म है, एक प्रोपोगेंडा फिल्म है और माहौल ख़राब करने वाली फिल्म है। पर दोस्तों ये इन जो केरला मूवी जिस लोगों ने बनाई है उन लोगों को जेल में कैसे डाल दिया जाएगा? दोस्तों जिन लोगों की यहाँ सरकार है, जिन लोगों के पार्टी की सरकार है, वो तो इस मूवी को टैक्स फ्री कर रहे हैं, और जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उन वहीं उन राज्यों में कह भी रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अब दोस्तों सुना यह भी है कि केरला स्टोरी जिन्होंने बनाई है उनको सिक्योरिटी भी दे दी गई है। चलिए आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।